डॉक्टर नंद किशोर गर्ग, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और 1972 से राजनीति में जनसंघ, जनता पार्टी, फिर भाजपा में सक्रिय रहा हूँ। चुनाव भी कई बार लड़े हैं, कई बार लड़ाए हैं। अटल जी मैं समझता हूँ एक अनोखा अद्वितीय व्यक्तित्व था। उनका किसी से कंपैरिजन करेंगे तो शायद किसी से कंपैरिजन हम नहीं कर पाएंगे, ना पुरानों से ना आज वालों से, क्योंकि मेरा उनका परिचय 1971 के लोकसभा चुनाव से हुआ। परिचय क्या, दीवाने थे हम उनके भाषण सुनने के। एक दिन में 3-3 सभाएं उनकी हुई दिल्ली में, तो तीनों मैंने सुनी। हमें लगता था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत तेज़ी से उभर कर आएंगे, काम किया था। परंतु धीरे धीरे 1974 आते आते लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में मैं सक्रिय था, इसलिए अटल जी से मिलना जुलना व्यक्तिगत प्रारंभ हो गया और एमरजेंसी में वो थोड़ी निकटता बनी। 1977 के बाद तो बहुत सहज संबंध हो गए, क्योंकि उनको ये नहीं लगता था उनसे बात करने में कि हम अपने से बहुत बड़े नेता से बात करते। एक सरल स्वभाव उनके अंदर, मैं समझता हूँ कि भी उनका बचपना उनके अंदर कहीं ना कहीं रहता था, इसलिए थोड़े से हंसी मजाक करने की स्थिति में भी हम आ जाते थे। 1977 के बाद तो एक सहज उनसे संबंध बनने शुरू हुए। हमें कभी नहीं लगा कि कोई बहुत बड़े आदमी से मिलने में कोई संकोच हो। घर जाना, बैठना, शिव कुमार जी से संबंध और पूरे परिवार से संबंध बने। और मैं संघ का संयोजक रहा हूँ और मुझे सौभाग्य मिला कि अटल जी जिस ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे, उस ट्रस्ट का ट्रस्टी बनने का अवसर मिला मुझे। उत्तर प्रदेश के बाबू राव देवरस ट्रस्ट के वो फाउंडर अध्यक्ष, डॉक्टर मुखर्जी स्मृति न्यास के वो फाउंडर अध्यक्ष, मैं उसका सेक्रेटरी आज भी हूँ। इसी प्रकार पांचजन्य ऑर्गेनाइजर जो हमारे अखबार हैं, जिनके पहले संपादक अटल जी थे, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मैं हूँ। तो मैं बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि अटल जी के बनाए हुए रास्ते पर चलकर राष्ट्र सेवा का जितना अवसर मिल सका, जहाँ भी जिस रूप में भी, उसके अंदर मुझे भी कुछ करने का सौभाग्य मिला है। और उनसे संबंध इतने प्रगाढ़ हो गए कि मेरे कहने से सुल्तानपुरी जे कॉलोनी में गीता विद्यालय के 25वें साल में वो आए और उसको सिल्वर जुबली समारोह में, और बहुत प्रसन्न हुए कि ऐसे इलाके में बिना फीस का स्कूल 25 साल आप लोगों ने चला के दिखाया है, ये राष्ट्र के काम है। अटल जी से एक मन के अंदर श्रद्धा थी, क्योंकि अटल जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि वो अपने लिए नहीं जी रहे थे, वो राष्ट्र के लिए 15-16 साल की उम्र में ही हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, हिंदू मेरा रग रग परिचय, ऐसी कविता देने वाले बड़े हृदय के लोग, जिनकी ये ऊपर उठ के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी पहचान बनी हो, जिनके इस्लाम के मानने वाले भी उनको अपना मानते हों, और जो दूसरा एक अपने आप को जो आग्रही हिंदू है, असर्टिव हिंदू, वो भी अपना मानता हो, एक अनोखा व्यक्तित्व था। मैं समझता हूँ उन जैसा व्यक्ति, जो अनुभव भी था उनके पास, कवि हृदय थे इसलिए थोड़ी संवेदना भी थी, और लोगों का दुख दर्द समझते थे सही मायने में, जिन्होंने गांधी को भी समझा हो और डॉक्टर हेडगेवार को भी समझा हो। और दीनदयाल जी के और डॉक्टर मुखर्जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर इस पार्टी को खड़ा किया, फिर भाजपा जब बनी तो 2 से यात्रा शुरू करके और आज 280-285 तक पहुँचे। तो उन्होंने संघर्ष किया, एक किडनी खराब हो गई थी इमरजेंसी में, उसके बावजूद उन्होंने जीवन के अंदर सतत संघर्ष किया, अक्रॉस पार्टी लाइन संबंध बनाए। नरसिम्हा राव भी जिनको गुरु कहते हों, चंद्रशेखर भी जिनको गुरु कहते हों, इंदिरा गांधी भी सम्मान देती हों और नरसिम्हा राव उनको UNO में भेजते हों सरकारी प्रतिनिधिमंडल का अध्यक्ष बनाकर, ये उनका व्यक्तित्व का अपने आप में एक, मैं समझता हूँ, बताने की आवश्यकता नहीं कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो अक्रॉस पार्टी लाइन। पाकिस्तान के अंदर संबंध, जब वो विदेश मंत्री बने तो सबसे बढ़िया संबंध चीन और पाकिस्तान से अटल जी ने बना के दिखा दिए, जबकि दोनों का हम खुला विरोध करते थे और निशाने
जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा वो रतन अवार्ड था वो मुरारजी भाई को दिया। तो अटल जी ने जिससे एक बार मिल गए वो दिल से बात करते थे। नरेंद्र मोदी आज बहुत दूर की सोच करके अटल जी के मानस पुत्र बनकर, विचार पुत्र बनकर 5-6 किलोमीटर पैदल चलना और उसके बाद नहाकर 1 घंटे बाद केरल पहुंच जाना, अनथक काम करना। अटल जी का स्वास्थ्य मैंने बताया ना, इमरजेंसी में एक किडनी खराब हो गई थी, उसके बावजूद उन्होंने देश के लिए जिए पूरी ज़िंदगी। आखिरी 8 साल उनके लगभग अज्ञातवास थे, फिर भी देश की जनता उनको आँखों पर आज बिठा रही है, सम्मान कर रही हैं। और आजम खां को कहना पड़ा, इतना सम्मान मिले तो मैं मरने को तैयार हूँ। सम्मान मिलता है काम करने के बाद, लोगों के दिलों में जगह बनाने के बाद। आज भी लोग गांधी जी को याद करते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को याद करते हैं, अटल जी को याद करते हैं, सुभाष जी को आज भी हम अपना हीरो मानते हैं। किन कारण से? बड़े घर में पैदा हुए थे इसलिए नहीं, उनके विचार उत्तम थे, उनका कार्य उत्तम थे, उनके जीवन श्रेष्ठ थे। मैंने कम से कम अपने जीवन में 40 कवि सम्मेलन कराए हैं राष्ट्र स्तर के, जिसमें देश के जितने बड़े कवि 1970 के बाद थे। तो अटल जी का जो कवि का रूप है वो राजनीति कारण शुरू में दबा रहा, मैं समझता हूँ, पर उनकी जो कविताएं हैं, जो गहराई है, इसी ढंग से उनकी एक कविता है बड़ी गूढ़ कि मौत भी जब आए तो भगवान मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं चटकनी खुद खोल सकूँ, कितना बड़ा भाव है। इसी प्रकार से भगवान मुझे इतनी ऊंचाई मत देना कि मैं अपनों से गले ना लग सकूँ, ये सामान्य तुकबंदी नहीं हो सकती, ये मन की गहराइयाँ हैं। और मन की गहराइयाँ एक आदमी वही संवेदनशील व्यक्ति हो, साहित्य प्रेमी हो, और जिसके मन में, क्यों, उनके पिताजी भी कवि रहे, जो कुछ तो DNA में आ गया, कुछ उन्होंने विकास किया। वो तो कहा करते, शायद मैं राजनीति में ना आता तो देश के मैथिली शरण गुप्त या रामधारी सिंह दिनकर जैसे उस श्रेणी के, और अपने शिव मंगल सिंह सुमन बहुत बड़े उनके गुरु भी थे, जब मिले तो उनके चरण छुए। ये उनका बड़प्पन था। और वो एक चीज़ में नहीं, जो आदमी अच्छा होता है वो सब चीज़ों में अच्छा। पूरा विश्व हमें देख रहा है आज, हमारे एक आध लाइन ढूंढा करता है जब मैं विदेश जाता था अखबार में वहाँ के। आज कोई ऐसा दिन नहीं है जिसके भारत का नाम सम्मान के साथ किसी देश में ना लिया जाता हो। और ये अटल जी का विदेश मंत्री के नाते, प्रधानमंत्री के नाते, विपक्ष के नेता के नाते, एक भारतीय के नाते, उन्होंने अपने जीवन से इस काम को बढ़ाया। और उनके आज के जो उनके वंशज हैं, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी जो आज है वो उसी काम को आगे लेकर बढ़ रही है और तेज़ी से बढ़े। भगवान हमें आशीष दे, अटल जी हमें ऊपर से अपना आशीर्वाद दें।